नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल शिक्षा देने वाले एक महाविद्यालय की स्थापना उनका सपना है। श्री मोदी ने राज्य में सड़क ढांचे को बेहतर बनाने और आर्थिक उन्नति के लिए असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल, गैस और सड़क क्षेत्र से जुड़ी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जान की परवाह किए बिना कोविड महामारी से निपटने में लगे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व है। देश में 57 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में कोरोना वैक्सीन के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में हिमस्खलन से चमौली जिले में बाढ़ की स्थिति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दल बचाव कार्य में लगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्थिति पर नजर। और चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 4 विकेट पर 154 रन बनाए, इंग्लैंड की पहली पारी में 578 रन। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में खुली शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वे चाहते हैं कि वहां कम से कम एक एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। वे आज असम के शोणितपुर जिले में ढेकियाजुली में असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे का विकास करके सड़क संपर्क बढ़ाना और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करे। चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये डॉक्टर असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। असम में हाल में शुरू किए गए विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और इसमें असम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज उत्तरी असम और अपर असम की जरूरतों को देखते हुए विश्वनाथ और चरईदेव में 2 और मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र तो बनेंगे ही, साथ ही अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नौजवान डॉक्टर बनकर के निकलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि असम इस बात की मिसाल है कि किस तरह सामूहिक प्रयासों से अच्छे नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 तक असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या केवल 6 थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 6 और मेडिकल कॉलेज वहां खोले गए। मुझे असम के लोगों ने बताया है कि उन्होंने हमेशा यही चिंता रहती थी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी न आ जाए, लेकिन ये समस्याएं अब तेजी से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। आजादी के बाद से 7 दशकों में यानी 2016 तक असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन इन 5 सालों में ही असम में 6 और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। श्री मोदी ने कहा कि असम के स्वाधीनता सेनानियों ने 1942 में हमारी तिरंगे झंडे के सम्मान की रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के बहादुर नौजवान जाग उठे हैं और अपने स्वाधीनता सेनानियों और उनके बलिदानों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था। इन शहीदों के खून की एक एक बूंद, उनका साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है। इसलिए शहीदों के शौर्य की साक्षी सोनितपुर की ये धरती, असम का ये अतीत बार बार मेरे मन को असमिया गौरव से भर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आज बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी लगन से कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि जो लोग देश के चाय क्षेत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन उन्हें राष्ट्र कभी नहीं बख्शेगा। असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। असम इसी तरह विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में चाय मजदूरों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से हर साल 1,600 एमबीबीएस डॉक्टर तैयार हो पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में कोविड महामारी के प्रबंधन और टीकाकरण में भारत की उपलब्धियों की सराहना की गई है। कोरोना से सबक लेते हुए देश ने हर देशवासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसकी झलक आपने इस बार के बजट में भी देखी है। बजट में इस बार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने ये भी तय किया है कि अब देश के 600 से ज्यादा जिलों में इंटीग्रेटेड लैब बनाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा छोटे कस्बों और गांवों के लोगों को होगा, जिन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए दूर जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की स्थिति सुधारने में बुनियादी ढांचे के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि असम माला कार्यक्रम से राज्य में बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि असम के लोगों के मन में उनके प्रति बड़ा लगाव है और इसी वजह से वे बार बार असम आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ढेकियाजुली के लोगों ने जिस तरह से सजावट की है वो बड़ी खूबसूरत है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में तेल और गैस तथा सड़क क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे।
पिछले 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का ये दूसरा दौरा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व है। राष्ट्रपति आज कर्नाटक में बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने महामारी के प्रकोप से निपटने में विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी ने विश्व को ये सबक सिखाया कि अगर एक व्यक्ति खतरे में है तो दूसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। श्री कोविंद ने इसे विश्व बंधुत्व की सीख बताया। Though COVID-19 seems to be one of a kind health crisis that happens rarely, a section of scientists has warned us to be prepared for similar challenges ahead. The world has, let us hope, learned the right lessons. In the post-COVID phase, the world will have to pay more attention to public health care. While the priority, there has to be the needs of underprivileged. We have seen a crisis that cut across class and geography. But the pandemic has taught the world that one cannot be safe if others are at risk. It is a lesson in universal brotherhood. राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए सभी संबद्ध पक्षों की भागीदारी और सहयोग आवश्यक है। श्री कोविंद ने कहा कि देश में बीमारियों की रोकथाम से लेकर निदान और उपचार तक स्वास्थ्य सेवा की तमाम सुविधाओं में बड़ा बदलाव आ रहा है। हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया इज पॉइज्ड टू अंडरगो अ चेंज एट ऑल स्टेजेस, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। No single entity in the healthcare sector can deliver results and achieve outcomes. The evolution of the sector calls for active involvement and participation of all stakeholders and the use of innovation to bridge intent and execution. Moreover, the first major pandemic in over a century has taught us to be better prepared for unforeseen public health crisis. Karnataka ke Rajyapal Vazu भाई वाला, मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ के सुधाकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित रखा और उनसे किए गए वादों को निभाने में विफल रही है। श्री नड्डा ने कल नादिया जिले के नवद्वीप से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा राज्य में सत्ता में आने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल शिक्षा देने वाले एक महाविद्यालय की स्थापना उनका सपना है। श्री मोदी ने राज्य में सड़क ढांचे को बेहतर बनाने और आर्थिक उन्नति के लिए असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल, गैस और सड़क क्षेत्र से जुड़ी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जान की परवाह किए बिना कोविड महामारी से निपटने में लगे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व। देश में 57 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में कोरोना वैक्सीन के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में हिमस्खलन से चमोली जिले में बाढ़ की स्थिति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दल बचाव कार्य में लगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्थिति पर नजर। और चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 4 विकेट पर 159 रन बनाए। इंग्लैंड के पहली पारी में 578 रन। देश में अब तक 57,75,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कुल 3,58,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 12,805 लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,059 कोरोना रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 78 रोगियों की संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यों को ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पुणे स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां अब तक 50 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं और सभी देशवासियों के टीकाकरण की योजना बनाई जा रही है। जागरूकता अभियान के दौरान आधुनिक संचार उपकरणों से लैस 16 वैन महाराष्ट्र और गोवा में विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ लोक कलाकार भी रहेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार 76.6% स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड टीकाकरण के साथ देश में शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश 76.1% के साथ दूसरे जबकि त्रिपुरा 76% के साथ तीसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉ मनोहर अग्नानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि वैक्सीन देने के बाद किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। टीकाकरण के पश्चात कुल 22 मृत्यु के प्रकरण प्रकाश में आए हैं जो 0.0004% है टीकाकरण के। इनमें से 9 की मृत्यु अस्पताल में हुई है और 13 की मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई नई मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उनका संबंध कोविड-19 वैक्सीनेशन से स्थापित नहीं हुआ है। गुजरात में कल 252 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.38% हो गई है। कल राज्य में 50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में 16 जनवरी को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पुदुचेरी में अब तक 3,601 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है। बिहार में कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में अब तक लगभग 3,70,000 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए। इस बीच बिहार में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 99.08% हो गई है। ओडिशा में कल 22,000 से अधिक अग्रणी कर्मियों को टीके लगाए गए। राज्य में कोविड टीके लगाने का कार्य कल से शुरू हुआ। अधिकारियों ने सभी से कोविड टीके को लेकर किसी प्रकार का दुष्प्रचार पर ध्यान न देने की अपील की। उत्तराखंड में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से 22 मई तक आयोजित की जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में कल उन्होंने बताया कि 1 जून से 15 जून 2021 तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम किया जाएगा। देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कल लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ सूर्यकांत ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बना ली। 10-11 महीने के अंदर एक नहीं दो वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है, मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को रोटरी क्लब ने कोरोना काल के दौरान मुंबई वासियों के अथक सेवा करने के लिए सिटीजन ऑफ मुंबई पुरस्कार से सम्मानित किया है। महानगर पालिका के मुख्यालय में विशेष समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार प्रशासन में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ ओंकार सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत के 12 राज्यों में 2-2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। केवल उत्तर प्रदेश में ही 6,73,542 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कार्यक्रम में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज से शुरुआत की गई। नेशनल शेख रसेल गैस्ट्रो लिवर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम पूरे साल चलेगा। बांग्लादेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने बांग्लादेश को 20 लाख खुराक उपहार के रूप में दी हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना के निकट बर्फीली चट्टाने खिसकने से धौली गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इससे आसपास के इलाके में बाढ़ आने की खबर है। बाढ़ से नदी के किनारे बने मकानों को नुकसान पहुंचा है। परियोजना में काम कर रहे कई मजदूरों के लापता होने की भी खबर है। तपोवन पनबिजली परियोजना का बांध टूटकर बाढ़ के पानी में बह गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राज्य आपदा राहत बल के जवान प्रभावित इलाकों में पहुंच गए हैं और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बीच ग्लेशियर से बनी झील के टूटने के तुरंत बाद इस क्षेत्र की कुछ नदियों में अचानक बाढ़ आ गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि उन्होंने बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने हिमस्खलन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जोशीमठ के आसपास बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार है। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गए। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास हैं। केंद्र ने अगले वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान कर्मचारियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण में कहा था कि ये धनराशि इन राज्यों के चाय बागानों से जुड़े विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। आई प्रपोज टू प्रोवाइड 1,000 करोड़ फॉर द वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स एस्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन इन असम एंड वेस्ट बंगाल। स्पेशल स्कीम विल बी डिवाइड फॉर द सेम। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम की 35% से अधिक जनसंख्या चाय बागानों से जुड़ी है और उन्होंने केंद्र के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री के 1,000 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज से असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम कर रहे 12 लाख से अधिक श्रमिकों के जीवन में कई सकारात्मक सुधार आने वाले हैं। इंडियन टी एसोसिएशन ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह धनराशि इन दोनों राज्यों के चाय बागानों में काम कर रहे लोगों के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होंगी। इस विशेष आर्थिक पैकेज के अलावा बजट में असम और पश्चिम बंगाल में सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि भी मुहैया कराई गई है। असम के लिए 3,400 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल के 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन से इन राज्यों में सड़क और बुनियादी ढांचों के विकास में तेजी आएगी। सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने से असम और पश्चिम बंगाल के सुदूर स्थित चाय बागानों से चाय के परिवहन में आने वाली अड़चने दूर की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जो कि मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त 64,180 करोड़ रुपयों के आवंटन के साथ संचालित की जानी है, के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का विकास किया जाएगा। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है, इसलिए एक समन्वयक की तरह काम कर रही है। आज मुंबई में उद्योगपतियों को केंद्रीय बजट 2021 के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वो करदाता के हर रुपए की कद्र करती है और चाहती है कि उनके एक एक पैसे उचित इस्तेमाल हो ताकि संपत्ति को अर्जित किया जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहेगी, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना होगा। उन्होंने कहा कि अशांति और अफवाहें फैलाना मीडिया का काम नहीं है। आज पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही आलोचना नहीं करनी चाहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। भारत ने मैच के तीसरे दिन आज ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 172 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रन बनाए हैं। इस श्रृंखला के परिणाम से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा। न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। फाइनल मुकाबला जून 2021 में लंदन के लॉर्ड्स में होगा। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में 13 और 14 फरवरी को पर्यटकों के लिए आयोजित होने वाले मांडू महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश पर्यटन 2 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन 13 और 14 फरवरी को कर रहा है। इसमें हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग टूर, फोटो प्रतियोगिता, योग कार्यशाला, संगीत प्रदर्शन, लाइट शो जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी पर्यटकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रशासन उत्सव के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन नाम से जाना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की। आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की ये प्रस्तुति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा में मेडिकल शिक्षा देने वाला एक महाविद्यालय की स्थापना उनका सपना है। श्री मोदी ने राज्य में सड़क ढांचे को बेहतर बनाने और आर्थिक उन्नति के लिए असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल, गैस और सड़क क्षेत्र से जुड़ी ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा जान की परवाह किए बिना कोविड महामारी से निपटने में लगे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व है। देश में 57 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में कोरोना वैक्सीन के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया और उत्तराखंड में हिमस्खलन से चमोली जिले में बाढ़ की स्थिति। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।